हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुष शर्मा। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दोस्तों, आजकल ये बहुत चल रहा है कि हम तो बौद्ध हैं और हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, और आपने इन लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि बाकी दूसरे लोग जितने भी हैं वो तो आउटसाइडर्स हैं, वो तो अटैकर्स हैं, वो तो आक्रमणकारी हैं। दोस्तों, अगर अपन इस बात की गहराई में जाएं तो साफ साफ पता लगता है कि ये बात कितनी प्रपंचकारी है और कितनी झूठी बात है। वास्तव में जो ये कह रहे हैं वो भी, और हम अपन सभी मूल निवासी ही हैं इस देश के। आर्य बाहर से आए थे और ब्राह्मणवाद चल रहा है, ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया है। ये आजकल एक बहुत गलत धारणाएँ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो इसके मूल में जाते हैं अपन, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए अपन समझते हैं कि हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में वास्तव में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले जुडाइज़्म यानी कि जू और क्रिश्चियनिटी, इनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस समझिए। जो ईसा मसीह थे, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत करी, वो स्वयं क्रिश्चियन थोड़ी थे। ईसा मसीह वास्तव में जूश पर्सन थे, ही वॉज अ ज्यू। और उनके जो शिष्य थे या उनके जो साथ में उस समय जो ज्यूस पीपल थे, वो उन्हें समझ नहीं पाए, और इसका परिणाम ये था कि उनकी शिक्षाओं को न समझने के कारण ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। यही हाल बुद्धिज़्म का भी हुआ। बुद्धिज़्म को भी, बुद्ध भगवान को भी यहाँ के जो लोग थे उनके शिष्य थे, समझ नहीं पाए, और उन्होंने जो है ईश्वर की कल्पना को लोगों से छीनने का प्रयास किया। इस प्रयास की वजह से वो वेदों की अटल चट्टानों से जाकर टकराए, और इसका रिजल्ट ये था कि बुद्धिज़्म का समूल नाश इंडिया से हो गया। जिस धरती में बुद्धिज़्म पैदा हुआ, उसी धरती से उसका नाश हो गया। आज आप देखोगे कि गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, और कुछ कुछ लोग हैं जो कि बौद्ध बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि उनका धर्म से कोई खास लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं। ये बात सबको पता है, सर्वविदित बात है। ये उनको एक इंच भी मालूम नहीं है बुद्ध के बारे में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ये लिखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ये बताते हैं कि भगवान बुद्ध कुछ नई चीज़ सिखाने नहीं आए थे। बुद्धिज़्म को हिंदुइज़्म का एक लॉजिकल कंक्लूजन माना गया है। बुद्ध भगवान ने बहुत ही युक्ति संगत विचार रखे, जैसे कि इस संसार के अंदर दुख है, दुख के कारण है, और आपको उन दुख के कारणों का निवारण करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये बहुत लॉजिकल बात कही उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके शिष्यों द्वारा उन्हें समझा नहीं गया, और जिसकी वजह से इस बुद्धिज़्म का इस इंडिया से संपूर्ण नाश हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें भगवान बुद्ध की कमी नहीं है, इसमें कमी उनके शिष्यों की है। ये जो बात के जो उनके चेले हैं, जो उनके स्वघोषित चेले होने का जो दम्भ भरते हैं, ये उनकी। भगवान बुद्ध का प्रभाव तो इतना ज़बरदस्त था कि उनके समय का एक इतिहासकार आता है यूनान से, और वो भारत के बारे में ये लिखता है कि मैंने भारत के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि झूठ बोलता हो, और मैंने एक भी ऐसी स्त्री नहीं देखी जो गलत आचरण करती हो, जो गलत चरित्र की हो। इतना महान प्रभाव था बुद्ध भगवान की टीचिंग का। लेकिन उनके शिष्यों ने ईश्वर को ख़त्म कर देने का प्रयास किया कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। उस ईश्वर से जिससे सभी मनुष्य पूर्ण रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। स्वामी विवेकानंद साफ लिखते हैं कि ईश्वर की अवधारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि मनुष्य के हृदय के अंदर दुर्बलता है, जब तक उसे अपने काम को पूरा करने के लिए किसी एक बाहरी एजेंसी, किसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, तब तक वह मनुष्य ईश्वर को पुकारेगा। और बुद्ध भगवान के चेलों ने उसी ईश्वर को छीन लेने का प्रयास यहाँ की जनता से किया कि भाई ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस तुम्हारे दुख हैं उनको दूर करने का तुम स्वयं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने साफ बोल के गए हैं कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ना तो बुद्धिज़्म सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है ब्राह्मणों के मस्तिष्क के बिना, उनके ज्ञान के बिना, और ना ही
हिंदुइज्म या ब्राह्मणवाद, जिसको आप ब्राह्मणवाद का नाम देना चाहते हैं ब्राह्मणवाद बोल दीजिए, और ना ही हिंदुइज्म सर्वाइव कर सकता है बुद्ध के उदार हृदय के बिना। तो दोनों की ही अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।